नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर, राउज एवेन्यू स्थित राष्ट्रीय कार्यालय के बाहर। और आपको बता दें, यहां पर बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये जो कार्यालय है इसको लेकर के थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि ये जो है इलीगल लैंड पर, यानी कि ये जो है जिस जगह पर बना है ये कब्जे वाली जगह है। दरअसल ये जगह दिल्ली हाई कोर्ट की है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, दिल्ली में ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय पिछले कई सालों से जो है वो यहाँ पर चल रहा है। इसी बीच कुछ दिन पहले जो है इसको लेकर चर्चा तब तेज़ हुई जब खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो है वो यहाँ पर, जब उनको ये पता लगा पूरा मैटर कि जो यहाँ पर कार्यालय है आम आदमी पार्टी का, ये कहीं ना कहीं जो है वो जिस ज़मीन पर है वो ज़मीन जो है वो वैध नहीं है, यानी कि वो ज़मीन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की है। क्योंकि आपको बता दें, यहाँ से साथ में ही आप ये राष्ट्रीय कार्यालय के साथ में देख सकते हैं, तो वो जो आपको बिल्डिंग पीछे नज़र आएगी वो राउज एवेन्यू कोर्ट है। और राउज एवेन्यू कोर्ट के एकदम साथ लगते हुए ये आम आदमी पार्टी का कार्यालय इस समय आप देख सकते हैं। अंदर पिछले कई सालों से जो है राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ पर चल रहा है। अभी भी कई कार्यकर्ता जो हैं वो अंदर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। लेकिन जिस जगह पर ये कार्यालय मौजूद है, ये जगह जो है ये जगह दिल्ली हाई कोर्ट की है। जी हाँ, और जब ये खुलासा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उस समय वहाँ पर CJI DY चंद्रचूड़ खुद एकदम नाराज़ हुए, नाराज़गी उन्होंने अपनी व्यक्त की। अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो फैसला सुनाया गया, 15 जून तक इलेक्शन की वजह से, चुनाव की वजह से 15 जून तक जो है मोहलत दी गई है कि 15 जून तक आपको ये कार्यालय जो है इसको खाली करना होगा, इस जगह को खाली करके वापस दिल्ली हाई कोर्ट को सौंपना होगा। और इसी बीच 4 हफ्ते का समय ये भी दिया गया है कि LNDO यानी कि लैंड एंड डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आपको जो है यहाँ पर जगह के बारे में बात करनी होगी, जिसको लेकर के खुलासा हो रहा है कि बदरपुर स्थित जो है वो यहाँ पर अब इनको जगह जो है राष्ट्रीय कार्यालय के लिए दी जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पिछले कई सालों से कैसे नाक के नीचे जो है यहाँ पर कब्जे वाली जगह पर कार्यालय चल रहा था, वो भी राष्ट्रीय कार्यालय, या अपने में जो है वो चौंका देने वाला जो खुलासा हुआ था पिछले कुछ दिन पहले जब ये खुलासा हुआ था, उस समय भी जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ये प्रतिक्रिया आई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन आज स्टेटमेंट एकदम से बदल गई। आज मैं आपको स्टेटमेंट बताना चाहूँगा, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 15 जून तक आपको ये खाली करना होगा, दफ्तर खाली करने का आदेश दिया गया, ज़्यादा समय 3 महीने से ज़्यादा का समय इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव जो है वो सर पर हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको स्टेटमेंट यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, कोर्ट ने केंद्र सरकार के भूमि एवं विकास विभाग को आम आदमी पार्टी को ज़मीन आवंटित करने का निर्देश दिया है, हम बस यही आशा करते हैं कि भाजपा कोई प्रतिकूल और नकारात्मक साजिश नहीं करेगी और हमें भी उसी क्षेत्र में ज़मीन आवंटित करेगी जहां पर अन्य राष्ट्रीय दलों के कार्यालय हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो प्रियंका कक्कड़ की तरफ से दी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले जब ये मामला उठा उस समय क्या स्टेटमेंट्स आई थी, उस समय ये स्टेटमेंट्स आई थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्यालय जो है वो एकदम सही जगह पर है, ये कार्यालय में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो जाता है कि नहीं ये तो दिल्ली हाई कोर्ट की जगह है, उसके बाद स्टेटमेंट बदल जाती है और अब कोई इसका शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, कहाँ गई वो कट्टर ईमानदारी की बात। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर जनता की तरफ से भी, सोशल मीडिया पर भी, कि वो कट्टर ईमानदारी की बात। देखिए यहाँ पर भी बड़े बड़े जो है पोस्टर इन्होंने लगाए हैं, राजनीति करने नहीं बदलने आए हैं, काम की राजनीति, और तमाम पोस्टर जो हैं वो आपको दिखेंगे, वी मिस यू मनीष जी। लेकिन इस बीच सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि आप तो अपने आप को लगातार कट्टर ईमानदार बताते हैं, और अगर आप कट्टर ईमानदार बता रहे हैं तो यहाँ पर किस तरीके ये जो कार्यालय है कब्जे वाली जगह पर चल रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट की जगह पर चल रहा था, क्योंकि साथ में लगते ही मैंने आपको पहले भी जो दिखाया कि यहाँ पर साथ में लगते ही राउज एवेन्यू कोर्ट है और उसके साथ में ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो कि एकदम पॉश ये इलाका है, थोड़ी दूर पर ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय भी है और कई कार्यालय जो हैं वो यहाँ पर आगे हैं, इस रोड की दूसरी साइड जो है कई कार्यालय हैं। इसी बीच यहाँ पर ये कार्यालय जो है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा फिर ये कार्यालय कैसे चल रहा है। दरअसल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, जब दिल्ली के अंदर सरकार बनी, सरकार ने ही आम आदमी पार्टी को ये कार्यालय आवंटित कर दिया, दिल्ली सरकार ने ये कार्यालय आवंटित किया, और जो आवंटित किया बाद में पता लगा
कि ये जो है वो इलीगल जगह पर आवंटित किया गया है, ये हाई कोर्ट की जगह पर आवंटित कर दिया गया और उसके बाद यहाँ पर कार्यालय चलता रहा, अभी भी जो है लगातार चल रहा है। आप देख रहे हैं एक्टिविटीज़ अभी भी चल रही हैं, अभी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियाँ जो हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, जो प्रत्याशी चुनाव में उतारे गए, जैसे नई दिल्ली लोकसभा प्रत्याशी आप देख सकते हैं सोमनाथ भारती को जो है बनाया गया है, उनके पोस्टर जो हैं वो भी यहाँ पर लग रहे हैं। वो मोहलत इसलिए दी गई है यहाँ पर कोर्ट की तरफ से क्योंकि सभी जानते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसीलिए अभी चुनाव में कोई इनको डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए ये 3 महीने से ज़्यादा का समय जो है वो यहाँ पर दिया गया है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश हुए थे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने आम आदमी पार्टी का पक्ष रखा और कहा कि बदरपुर में जगह दी जा रही है आम आदमी पार्टी को, वो दफ्तर जो है कम अनुकूल परिसर जो है वो आवंटित किया गया है। देखिए ये जो कहा गया उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त है लेकिन उसे अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में दफ्तर के लिए कम अनुकूल परिसर आवंटित किया गया है, बदरपुर में ज़मीन दी जा रही है जबकि बाकी सभी दलों के दफ्तर जो है वो बेहतर स्थानों पर है। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी को ये तो दिख गया कि दफ्तर जो है वो थोड़ी दूर दिया जा रहा है, वो जगह जो है वो कम है, अनुकूल नहीं है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को ये नहीं दिखाई दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट की ज़मीन पर इतने सालों से कार्यालय आम आदमी पार्टी का चल रहा था, यानी कि जगह कोर्ट की और कोर्ट पर कार्यालय चल रहा है आम आदमी पार्टी का, उस समय राष्ट्रीय पार्टी नज़र नहीं आई क्या, उस समय कब्जा नज़र नहीं आया, या फिर यूं कहा जाए कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं अभिषेक मनु सिंघवी, अभी हाल ही में जो चुनाव था राज्यसभा चुनाव उसमें खड़े हुए थे उसमें भी हार गए, या ये कहा जाए जो कांग्रेस पर लगातार एलिगेशंस लगते रहे हैं जगहों पर कब्जा करने के, तो उसके लिए वो एकदम जो है माइंडसेट उनका वैसा हो चुका है कि इसीलिए उनको जो कब्ज़ा किया गया वो उनको नज़र नहीं आया। नज़र क्या आ रहा है कि जो आवंटित किया जा रहा है कम जगह आवंटित की जा रही है, जबकि इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है इलीगल ये कार्यालय राष्ट्रीय कार्यालय चलता रहा, क्योंकि इलीगल इसलिए कहा जाएगा जो कहा गया कोर्ट की तरफ से कि दिल्ली हाई कोर्ट की जगह है, आप कैसे वहाँ पर जो है वहाँ पर कार्यालय चला रहे हैं, कैसे वहाँ पर जो है आप एक कार्यालय को राष्ट्रीय कार्यालय को जो है विकसित कर सकते हैं। वहीं मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस पर फैसला सुनाया और आम आदमी पार्टी को अपने कार्यालय के लिए वैकल्पिक भूमि के लिए लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस यानी कि LNDO से संपर्क करने को कहा और अदालत ने आम आदमी पार्टी से ये भी कहा। देखिए जो भी बातें मैंने कही हैं ये इसीलिए कही हैं क्योंकि अदालत में जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, अदालत ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि वर्तमान भूमि यानी कि ये जो जगह है इस समय आप देख सकते हैं वर्तमान भूमि पर कब्जा जारी रखने का आपके पास कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है, आप इस पर कब्जा जारी नहीं रख सकते और हम LNDO से आपके आवेदन पर कार्रवाई करने और 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अपना निर्णय बताने का जो है वो अनुरोध करेंगे। तो ये जो है वो कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में कहा गया है और आपको ये भी बता दें इस ज़मीन का उपयोग जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के विस्तार के लिए होना था, वो राउज एवेन्यू कोर्ट जो है क्योंकि साथ में मौजूद है उसके विस्तार के लिए होना था और यहाँ पर एक अतिरिक्त कोर्ट रूम का जो है निर्माण होना था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा क्योंकि आगामी चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के मद्देनज़र हम आपको 3 महीने का अतिरिक्त समय दे रहे हैं, उसके बाद ये ज़मीन जो है वो आपको खाली करनी होगी, तो ये कहा गया। और अब आपकी क्या राय है इस पर, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कहीं पर कुछ बात नहीं हो रही, इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा, अब वो कट्टर ईमानदारी कहाँ गई, हम भी ढूंढ रहे हैं आप भी शायद तलाश कर रहे होंगे, एक तरफ कट्टर ईमानदारी की बात है दूसरी तरफ ये सच्चाना और फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है ये कहा गया। कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी माफ़ी मांगी थी उस चीज़ को लेकर जो फेक वीडियो शेयर किया था उन्होंने BJP IT सेल को लेकर के, उसको लेकर भी वो माफ़ी मांग चुके हैं, तो ये सिलसिला लगातार जारी है। बहरहाल क्या कहना है आपका, अब इस पूरे मामले पर 15 जून तक खाली करने का के लिए कह दिया गया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ चुकी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, तो आप समझिए यानी कि ये बिल्कुल गलत जगह पर बना था और यहाँ पर अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण होगा। और अब आपकी क्या राय है इस पर, क्या प्रतिक्रिया है इस पर, आम आदमी पार्टी का इसमें इतना सॉफ्ट जो है वो स्टैंड आना, इस पर कुछ नहीं कहना, कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया, अब आपकी इस पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और यही वो कार्यालय है, यही अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर और आगे तक ये कार्यालय आपको दिखेगा, कई सारे कमरे इसमें
मौजूद हैं और पीछे जो दूसरा सिरा इसका खुलता है राउज एवेन्यू कोर्ट के दूसरे गेट की तरफ, उसके साथ ही यहाँ पर जो है इसका भी बैक वॉल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और ये पूरा आप मेरे कैमरा पर्सन एक बार आपको वाइड एंगल से दिखाएंगे, जहाँ पे काम चल रहा है वहाँ से शुरू हो करके इसकी बाउंड्री वॉल जो है वो आगे जो रोड वहाँ से राइट हैंड साइड को जो रास्ता जा रहा है वहाँ तक जो है ये पूरा कार्यालय बना हुआ है। अब आपको क्या कहना है इस पर, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।